हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में क्या क्या होता है और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। क्योंकि गर्भावस्था का जो अंतिम सप्ताह होता है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा होता है। पूरे 9 महीने तक इतने सारे बदलाव शरीर में आते हैं जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है, पर डिलीवरी एक सुखद एहसास होता है दोस्तों। जिस शिशु को आप गर्भ में पूरे 9 महीने तक पाल रही थी वो अब आपके गोद में आने वाला है। तो प्रेगनेंसी के अंतिम 7 दिनों में कौन कौन से बदलाव एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि गर्भावस्था 40 सप्ताह तक चलता है, सप्ताहों को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। तीसरी तिमाही यानी 3rd ट्राइमेस्टर में गर्भावस्था के 28 से 40 सप्ताह का होता है। उसमें भी आखिरी सप्ताह शरीर के अंदर काफ़ी बदलाव होता है जो परेशान करने वाला होता है। कई महिलाएं शारीरिक और भावनात्मक रूप से परेशान हो सकती हैं। 37वें सप्ताह के अंत में तीसरी तिमाही में एक महिला को अधिक दर्द, सूजन से लेकर डिलीवरी तक की चिंता होने लगती है। साथ ही इस दौरान कई सारे बदलाव शरीर में एक साथ होते हैं जिसकी वजह से महिला परेशान हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या होता है दोस्तों। जैसे जैसे आपका शिशु आपके पेल्विक में नीचे आएगा आप अपने मूत्राशय पर अधिक दबाव महसूस करेंगी। आपको बार बार पेशाब लग सकती है। यह अतिरिक्त दबाव आपको पेशाब निकलने का कारण भी बन सकता है दोस्तों। खासकर जब आप हंसते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, झुकते हैं, उठते हैं तो आपको पेशाब जैसी समस्या हो सकती है। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर एमनियोटिक फ्लूड निकलने लगे तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। पेशाब तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आता है आप हल्के और नियमित संकुचन को अपने पेट में हल्की अकड़न के रूप में महसूस कर सकती हैं। जैसे किसी शारीरिक गतिविधि के बाद या दोपहर या शाम के बाद ये संकुचन अधिक बार होता है। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा दोस्तों ये समस्या आपको होते रहेगी, तो आपको तैयार रहना होगा क्योंकि डिलीवरी का समय आ गया है। गर्भावस्था के हार्मोन कनेक्टिंग टिश्यू को आराम देते हैं जो आपकी हड्डियों को जगह में रखता है। खासकर पेल्विक एरिया में ये परिवर्तन आपकी पीठ के लिए बहुत मुश्किल होता है और अक्सर गर्भावस्था के तीसरे तिमाही के अंतिम सप्ताह में पीठ दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब डिलीवरी होने वाली होगी तो 7 दिन के अंदर आपको पीठ में दर्द की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस समय आपको आराम से बैठना चाहिए, ऐसे जगह पे बैठना चाहिए जहाँ पे आपको आराम महसूस हो। जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आता है दोस्तों सांस लेने में कठिनाइयाँ होने लगती है। कई बार तो इसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आती है, इससे आपको कई सारे और भी परेशानियां हो जाती। आपका मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपको दिन भर थकान की समस्या हो जाती है। तो सांस लेने के लिए भी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि अंतिम समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। गर्भावस्था के हार्मोन आपके पेट और फूड पाइप के बीच के वाल्व को आराम देते हैं। यह पेट के एसिड को आपके फूड पाइप में वापस जाने की अनुमति दे सकता है और अपच का कारण बन सकता है। इससे एसिडिटी हो सकती है, खट्टी ढकारें आ सकती है। इसके लिए छोटे और बार बार भोजन करें दोस्तों। एक बार में ज़्यादा भोजन आपको नहीं करना है। कोई चीज़ अच्छा लगे तो ज़्यादा भी नहीं खा लेना है, आपको लिमिट में ही खाना है। तले हुए खाद्य पदार्थ, खट्टे फल, चॉकलेट, मसालेदार, ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन के कारण आपके चेहरे, गर्दन और बाहों पर छोटी लाल बैंगनी नसें, जिसको वेरिकोज वेन कहते हैं, दिखाई दे सकता है। प्रसव के बाद लाली आम तौर पर फीकी पड़ जाती है।
आप अपने पैरों पर सूजी नसें भी देख सकती हैं। हो सकता है आपको इस समय बवासीर की भी समस्या हो जाए, मल त्याग करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ऐसे में सूजन को कम करने के लिए, नसों को ऐसे नहीं दिखने के लिए आपको हल्के फुल्के व्यायाम जरूरी है। आप टहल सकती हैं, शाम सुबह आप घर से बाहर निकलें, टहलें, खुद देखेंगे कि आपको अच्छा भी लगेगा और ये समस्या जो नसों की समस्या है जो आपके चेहरे पे दिखाई देने लगेगी, हाथ पे, पैर पे, आपके गर्दन पे, ये समस्याएं फिर आपको नहीं होगी। तो अंतिम समय में, जो गर्भावस्था का अंतिम समय होता है 7 दिन के भीतर शिशु डिलीवरी तक, बहुत मुश्किल भरा होता है दोस्तों। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर की देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। ये अंतिम समय है, पूरे 9 महीने तक आपने अच्छे से बिताए हैं, तो अंतिम सप्ताह भी आपको अच्छे से बिताना चाहिए ताकि आप एक सुंदर शिशु को जन्म दे पाए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।